कम इन। अब मैं आपसे बात कर सकती हूँ? क्या कर रहे हो पापा? फुटबॉल खेल रहा हूँ बेटा। बताओ मामा क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो? काम कर रहे हो तो आपको मालूम तो है कि मैं काम करता हूँ, और ये मैं काम ही कर रहा हूँ, यू मस्ट नो इट बेटा। आप आ जाओ, ऑफिस कैसा था आपका? ओके। नहीं सर, ठीक है। आप ना बहुत अच्छी लग रही है आपके ऊपर। थैंक यू पापा। वो लड़का जो आया था उसका नाम क्या था? अभिषेक। हाँ चलो आगे पापा। वो मुझे आपसे बात करनी थी कि आजकल ना बस बहुत क्राउडेड हो गई है। आजकल हो गई है, वो तो हमेशा से क्राउडेड है बेटा। हाँ लेकिन दो लोग आज एक्स्ट्रा आ गए, तो मतलब दो लोग मतलब कैसे एक्स्ट्रा आ गए? कि दो लोगों ने नया एडमिशन लिया है, तो मतलब ना मतलब बहुत ज्यादा कंजेस्टेड सा हो गया आजकल। सारी दुनिया अपनी बस में जाती है तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन पापा मैं आजकल स्कूल के लिए भी लेट हो जाती हूँ और लेक्चर्स भी थोड़े से मिस हो जाते हैं। क्यों लेट हो जाती हो? एक घंटा पहले जाओ, पैदल चले जाओ, इट्स नॉट वेरी फार। पापा व्हाट इट विल बी बेटर इफ आई बाय अ मोपेट? If you buy a moped, yes, papa. तुम अभी बच्ची हो, तुमको कहाँ मोपेड चलाना आता है? पापा मुझे आता है। It's just like a cycle. It's normal, just like a cycle. नहीं नहीं, बहुत ज्यादा उसमें रिस्क है, रिस्क है। कोई रिस्क नहीं है पापा। बेटा एक बात बताओ, बरसात के दिनों में कैसे जाओगी? इतनी रेनकोट पहन के आराम से हो जाएगा। और इतना स्लिपरी होती है रोड, इतने खड्डे हैं रोड्स के ऊपर, और कहीं भी आदमी फिसल के गिर सकता है। बस में जाता है तो सिक्योर्ड होता है चारों तरफ से। नो आई थिंक यू विल नॉट हैव दिस, व्हाट एवर यू वांट टू हैव यू विल नॉट हैव। प्लीज पापा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ना ये प्लीज प्लीज नहीं चलेगा बेटा। बेटा तेरी लाइफ मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी प्लीज नहीं इम्पोर्टेंट। अच्छा कुछ नहीं होगा पक्का? तुमने कहीं से मतलब पट्टा लिखाया है कि तुझे कुछ नहीं होगा, बाकी दुनिया को हो सकता? पापा आजकल सारे लोग जाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? वेदी। आजकल सबको ही होता है। वेदी एक बात सुन लो भी ध्यान से, ये काम नहीं मिलेगा तुमको, ये सब चीज नहीं मिलेगी। अब जो कुछ करना है ना, वो आप या तो पैदल जाओ या लोकल बस में जाओ। अगर आप पैदल जाने से कितना मुश्किल हो जाएगा पापा, मैं थक जाऊंगी कितना। अभी से तू थक जाती है तो आगे जाके क्या करेगी जीवन में? तेरी उम्र में हम स्कूल में पैदल जाते थे, पैदल आते थे। पापा तब की बात अलग है, आज की बात अलग है। आज की क्या बात है? आजकल जनरेशन बदल गया है। आजकल जनरेशन बदल गया है? तो किताब उल्टा रख के पढ़ते हैं अभी? नहीं उतना नहीं बदला। उतना नहीं बदला नहीं। मुझे लगा इतना बदल गया। But not, don't give me all that. देखो अगर आप वॉक करते हो ना, 15 मिनट से 12 मिनट में 1 माइल हो जाता, 3 माइल है तो तुम आधे पौने घंटे में पहुंच जाओगे। घर से जरा जल्दी निकलो, पैदल जाओ, पैदल आओ, बस में मत जाओ। मैं ऐसे अगर पैदल जाऊंगी तो मैं आप थक जाऊंगी, फिर मैं लेक्चर्स में ध्यान नहीं दे पाऊंगी। फिर कोई बात नहीं, तू थक जा, एक दिन थकेगी ना दूसरे दिन ठीक हो जाएगी। हमारे मिलिट्री वाले 10-10 किलोमीटर दौड़ के जाते हैं, तुमको भी स्ट्रांग इंसान बनना है। ये पपलू नहीं बनना है, एकदम पोकल नहीं बनना है। बी अ स्ट्रांग गर्ल। आई एम अ स्ट्रांग गर्ल। तो फिर यू आर शोइंग दैट यू आर अ वीक पर्सन। बट लेकिन आई वांट टू गो इन मोपेट नाउ प्लीज। अभी एक बात बता, ऑल ऑफ अ सडन तेरे को मोपेट का बुखार कैसे चढ़ा? बिकॉज बस में बहुत ज्यादा कंजेस्टेड लगता है, लोग धक्का मार के चले जाते हैं ऐसे ही। तो खुले आम फुटपाथ के ऊपर चलते हुए जाओ, वो भी तो डेंजरस होगा। कितने सारे लोग आते रहते हैं, सो मेनी मोपेड तो सबसे ज्यादा डेंजरस है। कोई गाड़ी मार के चली जाए, कोई ऑटो मार के चला जाए, कोई बस मार के चला जाए, एक छोटी सी बच्ची को देख के कोई भी कुछ भी कर सकता है। छोटी सी बच्ची? अभी तो आपने बोला मैं स्ट्रांग थी, अब छोटी सी बच्ची। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम बहुत बड़ी तो नहीं हो गई ना? लेकिन ये प्लीज नहीं,
you are strong, you will never get tired. Go walking, come back walking. But that will not help, no. Isse zyada mat bolo. Please. One last time, please. One thing. I'm not going to listen to you. After that, I'll not tell you anything to buy. What just you will not tell me? You are telling me 100 times in a day. I will not tell. Just buy me one moped, please. Please. अच्छा जाके पता करके आओ कितने का मिलता है. तुमने वो तो सब पता नहीं किया. मिलता होगा 10,000 का. 10,000 का? हाँ. आजकल 10,000 की रेवड़ियाँ नहीं मिलती हैं. क्या बात करती हो तुम. तो बिल्कुल अनपढ़ हो बिल्कुल. पहले इंटरनेट पे जाके पता करो कौन सी कंपनी है, कितनी कंपनियां बना के खरीदने, फिर मैं देखूंगा मेरी पॉकेट अलाउ करती है कि नहीं. पापा क्या आपकी पॉकेट अलाउ करती है. सो रिच वर्किंग इन अ ऑफिस और यू विल इन अ आई एम वर्किंग इन एन ऑफिस. तुम्हें इतना नहीं मालूम कि मैं क्या करता हूँ. आई एम अ बिजनेसमैन. सो फिर मैं अपना कमाता हूँ. कभी बहुत ज्यादा कमाई होती, कभी उतनी नहीं होती है. लेकिन मैं बोलती हूँ कि आपको इस मंथ में बहुत ज्यादा कमाई होगी. विल यू बाय मी मोपेट? अगर कमाई होगी तो मैं बताऊंगा तुमको. बताऊंगा मैं, फिर कंफर्म करो ना. काहे का कंफर्म? मैं किसी का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी, मैं तुम्हारा कर्जा थोड़ी लिया जो तुमको कर्जा दूंगा. नहीं लेकिन आपको एक चीज क्लियर करनी चाहिए. क्या चीज क्लियर करनी? मुझे खरीद के एक बात सच्ची सच्ची बताओ. क्या तुमको मोपेट क्यों चाहिए? बिकॉज़ द बस इज रियली क्राउडेड, दैट्स व्हाई. इसके अलावा क्या कारण है? उसके अलावा कोई कारण नहीं है. Is there any boyfriend? No, please, पापा. फिर क्यों? नहीं. फिर किसको दिखाना है मोपेट? किसी को नहीं दिखाना है, फॉर माय ओन कंफर्ट. अच्छा, unless and until you tell me the truth, I will not get you. This is only the truth. Please. Okay, you want to hear the truth, right? So, there is a new girl in the class. She comes in a moped. And everyone is like, wow, you're so lucky, you have a moped, you come in a moped. Wow, she knows how to drive a moped also. So my importance has gone. So you want to be important and not to be studious? Yes. Then you want to be studious, na? You should be looking after your studies, getting involved in your studies, or you should be showing off that you have a moped and all. I'm not showing off, like, type of, yes. But like, I'm a good student also. So if I get a moped also, then your mind will be diverted. All the time, you will be on your moped. No. To get that importance. No, to get not that at all. Up, one up hand. No, not at all. I promise. Please. Okay, I'll get you. Yeah!